नैनीताल से हल्द्वानी रोड में कृष्णापुर के जंगलों में बीती रात अचानक आग लग गई और आग लगने से जंगल के साथ साथ इससे जुड़े रिहायशी क्षेत्रों को भी खतरा पैदा हो गया। तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि कृष्णापुर के दर्जन भर घरों के क्षेत्र में सड़क पर खड़े वाहनों तक पहुंच गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी। इस बीच स्थानीय लोगों को उनकी गाड़ियां तत्काल हटाने की चेतावनी दी गई है। लगातार दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पर आग की सूचना मिली, जो कि जंगल की आग थी और बहुत तेजी से घरों की तरफ बढ़ रही थी। तो फायर यूनिट अपने तीव्रता दिखाते हुए गाड़ी के साथ वहाँ पहुँची और देखा तो वो कूड़े की आग जो बिल्कुल ही गाड़ियों के नज़दीक पहुँच चुकी थी और तत्काल जो है फायर यूनिट ने उस कूड़े की आग को बुझाया, जिससे कि कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ बची। उस कारण बहुत बड़ा हादसा होने से वो बचा, कम से कम 18-20 बाइकें टू व्हीलर थी। उसके बाद वहाँ से लेडीजें चिल्ला रही थी कि आग हमारे घर पे पहुँच गई है, तो वहाँ तक हमारी गाड़ी का जाना संभव नहीं था, ना ही हमारे पाइप पहुँच सकते थे। तो हमारे जवान और पुलिस विभाग के जवान जो हम लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से दौड़ते हुए नीचे गए, तो देखा कि एक बहुत पुराना लकड़ी का मकान है और उसकी छत पर 3 मंजिले पे और एक चिंगारी सी दिखी लकड़ियों पे जो हल्की लग रही थी। उसको तुरंत ऊपर चढ़ के जो है ऊपर टीन सेट पे ऊपर चढ़ के वहाँ से पानी डाला, वहाँ से नहीं गया, फिर नीचे आए, नीचे से हमने ताला तोड़ा उसका और खिड़की दरवाजे तोड़ के तब अंदर जाके हम लोगों ने पानी से उसको कंप्लीट बुझाया, जिससे कि बहुत बड़ा हादसा हमने शहर में होने से और घर को बचाया बहुत ज़्यादा नुकसान होने से।